महाराष्ट्र में बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इन सबके बीच उन्हें सुप्रीम कोर्ट से आज तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीएम पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। चुनावी मौसम में महाराष्ट्र का सियासी पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। किस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सूबे में बीजेपी के प्रमुख और सीएम देवेंद्र फडणवीस को राहत ना देकर उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए साफ कर दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। ये मामला 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने से जुड़ा है। देवेंद्र फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है। ये केस 1996 और 1998 के हैं, जिसमें एक मामला मानहानि का है और दूसरा ठगी का, लेकिन दोनों ही मामलों में अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट देवेंद्र फडणवीस को राहत दे चुका है, लेकिन वकील सतीश उइके ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि 2014 में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया, लिहाजा उनका चुनाव रद्द किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए आज सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि प्रथम दृश्यता फडणवीस के खिलाफ मामला बनता है, लिहाजा उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मुकदमा चलेगा। इससे पहले 23 जुलाई को भी मामले में सुनवाई हुई थी, तब सीएम फडणवीस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने उनका बचाव किया था, लेकिन रोहतगी की दलीलें काम नहीं आईं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।